अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसीलिए एक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो जहाँ से जो है ना, मैंने पिछले व्लॉग का एंड किया था वहाँ से मैंने ये अगला व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर जो सुबह का टाइम है और जो रात को है ना, सिस्टर ने कॉल की कि कहीं जाना है, तो फिर मैंने उसे कहा कि जो इनके जो न्यू कपड़े थे ना, वो मैंने इन्हें पहना दिए हैं और वो हैं भी मैले, तो फिर अब मैं क्या करूँगी। सुबह सुबह जाना था तो मैं सुबह सुबह उठी, मैंने जो है ना बच्चों के कपड़े जो थे वॉश कर दिए थे हाथ पे, और इधर जो है बस मेरे दो सूट थे वो भी मैंने धो लिए। इसके अलावा मेरी चादर थी इसको भी मैंने वॉश किया, इस और इसके अलावा जो थे ना इनके बाबा का एक सूट था जुम्मे के दिन पहना था, तो वो भी मैंने सोचा कि बस उसको भी वॉश कर देती हूँ। अच्छा जी, हमने जाना था खास रिलेटिव है हमारे उनके घर, तो हम जो है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, ये देखे वहाँ पे जो है ना, हमने बहुत मौज मस्ती की, और इसके अलावा ये देखे ये बड़े बड़े जो थे ना खड्डे जिसे कहते हैं, रेत निकाल निकाल के ऐसे पहाड़ों की तरह हो गए थे। तो ये देखे मेरे काम चेक करें। अच्छा जी, हम रिलेटिव के घर पहुँचे और वहाँ पे जो है ना हमने चाय शाय पी, पानी शानी पिया, और उसके बाद जो है हम घूमने के लिए बाहर आए। पहले हम उधर गए जहाँ पे रेत के मतलब टीले थे, टीले कह लें, रेत के पहाड़ थे। तो उधर जो है मैं नीचे तो बासानी आ गई थी, लेकिन ऊपर जो है ना चढ़ना मेरे लिए मुश्किल बन गया था। और जो उसकी वीडियो थी ना, वो सिस्टर ने बनाई थी जैसे टिकटॉक की बनाती हैं, तो इस तरह जो है ना उल्टी हो गई थी, लेकिन वो मुझसे जो है ना इधर सीधी नहीं, और फिर मैंने ऐसे ही लगा दिया था व्लॉग वाली वीडियो, वो नहीं थी।
तो मैंने सोचा मैं इसे भी लगा देती हूँ व्लॉग में। और वहाँ पे जो है ना मेरे लिए मुश्किल हो गए थे, इतनी मुश्किल से मैं ऊपर आई थी और हंस हंस के बुरा हाल। और वहाँ से वापस आने के बाद अब हम आए हैं खेतों में, ये है गंदम का खेत। और इधर जो है ना मच्छर भी काफ़ी था, शाम से आने लग गया। और इसके अलावा ये देखें, फिर वहाँ से होने के बाद हम घर आए, यहाँ पे जो है खाना रेडी होने वाला है। और यहाँ पे जो है मैं किचन में आई, ये था दूध, चीनी और इसके अलावा खीरे, तो इनको जो है ना मैंने इधर ऊपर रख दिया। और इस साइड पे जो है ना चाचू सालन बना रहे थे, तो मैंने सोचा है थोड़ा सा चमचा हिला लेती हूँ और थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ, घर वाली आदत। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैंने पकाया सालन। और यहाँ पे जो है इस टाइम पे अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। और ये जो सालन था ना, बड़ा मज़े का बना था, जायके वाला। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारा खाना जो था ना रेडी हो चुका है। और यहाँ पे खाने में है सलाद, सलाद में है खीरे, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सालन। ये देखें, सालन बड़ा मज़े का टेस्टी बना था। ओहो, ये जो है ना मुझसे ढक्कन इसमें चला गया था। तो ये देखें, ये सालन भी रेडी हो चुका है और रायता भी। और ये इस साइड पे पड़ी है रोटी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारा खाना रेडी हो चुका है, हम खाने लगे खाना। और आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ खाएं। अच्छा जी, ये वाला व्लॉग जो था ना मैंने अगले दिन से बनाना स्टार्ट किया। और ये है खसखास और ये है सागुदाना बच्चों के लिए। यहाँ पे जो है दोपहर का टाइम था। और ये है दही और ये है सालन चनों वाली दाल का। तो अली ने फरमाइश की कि बाबा आज जो है ना दाल का सालन भेजें। और ये है दूध दोपहर का और ये है रोटी। अच्छा जी, दोपहर का खाना खा के मैंने बच्चों को भी सुला दिया था और ख़ुद भी सो गए थे। और जब मैं उठी तो तकरीबन टाइम था 4 बजे का और बादल इतने बने हुए थे। तो मैंने जो है सेकंड टाइम की चाय बनाई, उसके बाद जो है देसी घी बनाना था वो बनाया और हलवा बनाया।
अच्छा जी, यहाँ पे सुबह का टाइम था और आधे जो है ना घर के मैंने काम कर लिए थे, और ये है हमारा हलवा। आज जो है हमारे हलवे को आज दूसरा दिन है, और ये देखें खीरे और स्ट्रॉबेरियाँ। और आज जो है ना मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी स्ट्रॉबेरी का जूस। किस किस को पसंद है स्ट्रॉबेरी का जूस? तो आज जो है मैंने चाय भी नहीं पी, थोड़ा सर में दर्द था, तो मैंने सोचा है बस स्ट्रॉबेरी का जूस बना लेती हूँ और पी लेती हूँ। अच्छा जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर मेरा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।